I know that you're excited for glory. I know you have. सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आपने इंट्रो में सुना, हनी पाजी ग्लोरी ईपी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ही हफ्तों पहले एक लाइव के अंदर बोला था कि ये वाली ईपी इस समर में आने वाली है। सो पिछले कुछ दिनों से हनी पाजी बस इसी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कुछ घंटों पहले एक स्टूडियो से कुछ ऐसी फोटो शेयर की है, साथ में उनकी एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें वो ग्लोरी ईपी के बारे में कुछ बोल रहे हैं। आप लोग सुन लो। एल्बम पौंड पाड़ बनाई गया थोड़ा स्वाद आ जाएगा। एल्बम पौंड पाड़ बनाई गया थोड़ा स्वाद आ जाएगा। तो जैसे कि आपने सुना, हनी पाजी अगर बुंड फाड़ बोल रहे हैं तो आप लोग समझ जाओ क्या सीन होने वाला है। बस कुछ ही हफ्तों की बात है, हम फैंस को पूरे 8 गाने सिर्फ एक ही दिन के अंदर सुनने को मिलेंगे। सो कुर्सी की पेटी बांध लो, अभी मई में एक गाना ड्रॉप होगा जिसके बाद फिर जून में ये ईपी आप सबकी हो जाएगी। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि इक्का भाई की तरफ से आ रही है। तो इनका अभी एक इंटरव्यू आया है जिसमें इनसे जब इनके करियर के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कुछ आर्टिस्ट को शाउट आउट दिया है जिसमें हनी पाजी का भी नाम है। इक्का भाई ने बोला है कि दिलजीत पाजी और हनी पाजी ने उन्हें बहुत इंस्पायर किया है। जिस तरह से वो टाइम टू टाइम कुछ नया कुछ फ्रेश लेके आते हैं, वो चीज उन्हें बहुत इंस्पायर करती है। वेल बात इधर इक्का भाई की हो ही रही है, तो अगर आप देसी कलाकार को विकिपीडिया पे सर्च करते हो तो उधर आपको बहुत अजीब चीज दिखेगी। मतलब देसी कलाकार जो कि सिर्फ और सिर्फ हनी पाजी और गोलू भाई ने लिखी है, उसके अंदर लिरिसिस्ट में इक्का भाई और जियान भाई का नाम डाल रखा है। क्या जोक मारा भाई। So, इसको कोई सीरियसली मत लेना। विकिपीडिया पे कोई भी नॉर्मल बंदा किसी का भी नाम डाल सकता है। जियान भाई ने भी यही हरकत की है। मतलब हद है, इसकी टीम इतनी फुद्दू है, ये हर चीज के अंदर अपना नाम घुसा देता है। 12 साल से ये बंदा ब्राउन रंग का क्रेडिट मांग रहा था, लेकिन अब इस भड़वे को देसी कलाकार का क्रेडिट चाहिए। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये हर जगह अपनी बेइज्जती कराता रहता है। सो इसे मारो गोली। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो अगर आप सबको याद होगा तो कुछ महीनों पहले हनी पाजी ने क्रिसमस पे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें उन्होंने चार दीवारी के एक सॉन्ग पर डांस किया था, जिसके बाद वो गाना बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। सो इसी को लेकर चार दीवारी का एक इंटरव्यू आया है जिसमे उन्होंने इसको लेके हनी पाजी के बारे में कुछ बोला है। आप लोग सुन लो। तू मुझे पीती जाए, प्राणों में बचे झागना। What happened to life after the Hani Singh video reel? Did it change drastically? Drastically तो नहीं पता, but change तो हाँ, मैं बहुत grateful हूँ। तो अब उद्भव करुण जो है, तो वो they know Hani Singh, they know like सदूर का कुछ रिश्ता type, and उनको they wanted to call to a party once, and scene ये हुआ कि they were like कि आपके साथ साथ जो लौंडे हैं उनको भी बुला लो, and उद्भव करुण नहीं चले। हम जो बाकी पंटर थे लेफ्ट ओवर्स, वो चले गए हनी सिंह के घर क्रिसमस पे। ठीक है, वहां गया मैं और मुझे पता लगा कि हनी सिंह भाई ने मेरे ऑलमोस्ट सारे गाने सुन रखे थे, विच वॉज अ वेरी बिग शॉक टू मी। एंड हाउ डू यू नो, डिड ही टेल यू? ही टोल्ड मी, एंड उनके साथ कोई उनके दोस्त थे भी, दोस्त भी थे, उनको बारूद की म्यूजिक वीडियो दिखा रहे थे। तो मुझे वो देख के लगा कि अरे ये कैसे हो रहा है टाइप चीज। फिर क्या बोलते हैं, उन्होंने उन्होंने झाग सुन रखा था, उनको बहुत पसंद आया था, उन्होंने बोला कि एक रील बनाते हैं चल। बोला ठीक है बनाते हैं। बोला कि स्पीकर पकड़ तू या वीडियो खड़ा, उन्होंने बोला कि ऐसा वीडियो वीडियो बना, और फिर बनाया और फिर मस्त डाल दिया फुल। तो फिर चिल करा हमने हनी सिंह भाई के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग आदमी लगते हैं मुझे वो। द पीपल हु हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 20-30 इयर्स, दे हैव सीन सो मच, एंड उनसे बात करना भी, दे हैव लाइक एन ऑरा टू देम। तो वो चीज बहुत मुझे भाती है। Like who are the veterans that you follow? Lot of people. I follow रहमान सर। मैं दिलजीत के भी इंटरव्यूज देखता हूँ, बादशाह के इंटरव्यूज देखता हूँ, हनी सिंह ऑब्वियसली। सब अपने और इंटरव्यू देखना एक चीज है, म्यूजिक फॉलो करना दूसरी चीज। हाँ मतलब फॉलो द म्यूजिक आल्सो, दीज आर द पीपल आई लिसन टू आल्सो। सो हर एक आर्टिस्ट हनी पाजी को रिस्पेक्ट करता है, बस ये कुछ लॉकडाउन के बच्चे ही हेट फैलाते हैं। खैर अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा के जाना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।